वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी, फिर उसके बाद में हमने बैक्टीरिया में पोषण के प्रकार या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। फिर जो प्रीवियस क्लास हुई है इससे पहले वाली, उसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया में जनन। तो सभी जीवों को प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करना आवश्यक होती है। इस जनन की क्रिया के द्वारा या इस रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं या गुणन करते हैं। अब देखो, ये जो रिप्रोडक्शन था, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। कौन कौन सा था? वेजिटेटिव, जिसे हम बोलते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर है सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन, और थर्ड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस। जिन्हें बोलते हैं आनुवांशिकी पुनर्योगज। तो कल मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में जो जनन होता है या बैक्टीरिया जो अपने आप में गुणन करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस के द्वारा। अब जो मैंने कल आपको बताया था वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन बताया था। तो मैंने बताया था कि कायिक जनन किस किस के द्वारा होता है? बाइनरी फिशन, बडिंग, फिर करवाया था मैंने सिस्ट, एंड फोर्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन। तो बाइनरी फिशन्स मीन्स द्विविभाजन या द्विविखंडन, बडिंग मीन्स मुकुलन, सिस्ट मीन्स स्फुटिका एंड फ्रेगमेंटेशन मीन्स खंडीभवन। तो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उस बैक्टीरियल सेल की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, उसके साथ ही उसमें उपस्थित आनुवंशिकी पदार्थ जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं वो भी खिंच जाता है और मध्य से टूटकर अलग हो जाता है या वह आनुवंशिकी पदार्थ दो भागों में विभक्त हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर मध्य से संकीर्ण, या मैं यूँ बोलूँ कि मध्य से वो अंतर्वलित हो जाती है और वहाँ से टूटकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने के बाद में दोनों जो डॉटर सेल्स बनी, मीन्स ये कोई सेल थी इसका साइज इंक्रीज हुआ ऐसे, फिर ये जो आनुवंशिकी पदार्थ था वो विभाजित हुआ, विभाजित होने के बाद में क्या हुआ, इसमें ये दो डॉटर न्यूक्लियस बन गए, या ये दो डॉटर आनुवंशिकी पदार्थ या पुत्री क्रोमेटिन पदार्थ का निर्माण हुआ। फिर इन दोनों के मध्य किसका निर्माण होता है? सेप्टा का,
या पट्ट का निर्माण होता है, जिससे ये दो इंडिविजुअल पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और ये पुत्री कोशिकाएं आगे जाकर एक नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करते हैं और इस प्रकार का जो जनन है वो बैक्टीरिया में सामान्य जनन की विधि है। फिर मैंने बताया था आपको बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो सेल वॉल कहीं से पतली हो जाती है और उस जहाँ से, जैसे कि ये सेल वॉल है, ये एक तरफ से या कहीं से भी, मध्य से कहीं से भी पतली हो जाएगी। पतली होने के बाद में वहाँ से अतिवृद्धि या आउटग्रोथ के रूप में एक उभार निकलता है और ये उभार प्रतिकूल परिस्थितियों में अलग होकर, या मैं यूँ बोलूँ कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जब बैक्टीरिया मरने वाला होता है तब ये उभार बाहर की तरफ निकलता है और अपने चारों ओर मोटी सेल वॉल का या कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेता है और अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। और जब जनन का समय आता है तो ये कंप्लीट बैक्टीरियल सेल में रूपांतरित हो जाता है। फिर है आपके सिस्ट या पुट्टी का निर्माण। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल में जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाता है, संकीर्ण या नैरो हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने के बाद में या संकीर्ण या संकरा होने के बाद में या संकुचन के बाद में तो बैक्टीरियल सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो संकुचित हो जाता है और संकुचित होने के बाद में वो गोलाकार संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। या मैं यूँ बोलूँ कि ये जो बैक्टीरियल सेल थी इसमें ये था कोशिका द्रव्य। थोड़े टाइम बाद में क्या होता है कि कोशिका द्रव्य श्रिंक या संकुचित हो जाता है और इस सेल वॉल, इसके चारों ओर जो सेल वॉल थी या कोशिका भित्ति थी वो थिक या मोटी हो जाती है। अब ये जो संरचना होती है जिसमें कोशिका का क्रोमेटिन पदार्थ या अनुवांशिकी पदार्थ भी होता है, ये कोशिका कहलाती है सिस्ट। और जब जनन का समय आता है तब ये अंकुरित होकर या जर्मिनेट होकर एक कंप्लीट बैक्टीरियल सेल का निर्माण करती है। फिर आता है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उस बैक्टीरियल सेल में छोटे छोटे कोशिका द्रव्य की विशिष्ट संरचनाएं बन जाती है। जैसे कि इसमें क्या हुआ था कि जीव द्रव्य संकुचित हो गया था, इसमें क्या होता है कि जीव द्रव्य छोटी छोटी विशिष्ट या स्पेसिफिक संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं गोनीडिया या गोनीडियम। ये गोनीडिया जब जनन का समय आता है या प्रतिकूल परिस्थितियों में जब नॉर्मल जनन संभव नहीं होता तब ये गोनीडिया मातृ सेल को फाड़ कर, या ये बैक्टीरियल सेल फट जाएगी और इससे ये गोनीडिया मुक्त हो जाएंगे और अंकुरित होकर एक कंप्लीट या पूर्ण बैक्टीरियल सेल का निर्माण करते हैं। फिर आज आपके टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, तो इसमें है बाई एंडोस्पोर, जिसे बोलते हैं अंतः बीजाणु। फिर सेकंड है कोनिडिया निर्माण या बाई कोनिडिया, जिसे बोलते हैं कोनिडिया। देन फिर आता है ओइडिया या ओइडिया द्वारा। सो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन तीन प्रकार से होता है, बाय एंडोस्पोर या अंतः बीजाणु, बाय कोनिडिया या कोनिडिया द्वारा, बाई ओइडिया या ओइडिया द्वारा। सो इसमें
फर्स्ट हम बात करेंगे आज बाई एंडोस्पोर या अंतः बीजाणु द्वारा। तो बाई एंडोस्पोर तो प्रतिकूल परिस्थितियों में एक बैक्टीरियल सेल में कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाता है और गोलाकार संरचना बना लेता है जिसे कहते हैं एंडोस्पोर। तो क्या होगा एंडोस्पोर कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया का जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है और अपने चारों ओर मोटी कोशिका भित्ति या सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है जिसे कहते हैं एंडोस्पोर। और इस एंडोस्पोर में विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं इन विशेष प्रकार के एंजाइम्स के कारण ये एंडोस्पोर प्रतिरोधी हो जाते हैं या रेसिस्टेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले एंडोस्पोर क्या होते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल में कोशिका द्रव्य के संकुचित हो जाने से या कोशिका द्रव्य के विभक्त हो जाने से एक विशिष्ट प्रकार की गोलाकार संरचना का निर्माण होता है जो अपने चारों ओर मोटी सेल वॉल का निर्माण कर लेता है या आवरण का निर्माण कर लेता है जिसे कहते हैं एंडोस्पोर। इस एंडोस्पोर की जो वॉल होती है या कोटिंग होती है या इस एंडोस्पोर में विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए प्रतिरोधी होता है। अब ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ कौन से आ गई, जैसे कि वातावरणीय कारक या तापमान। जैसे कि वातावरणीय कारक में क्या आ गया, तापमान, कम तापमान, ज़्यादा तापमान, जल का अधिक बहाव या रसायन आदि इसके अंदर आते हैं। जैसे कि रसायन अलग है और वातावरणीय कारक अलग है, तो वे कारक जो इस एंडोस्पोर को या अंतःबीजाणु को नुकसान पहुँचाए इसके लिए ये प्रतिरोधी होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है या भित्ति होती है इनमें विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये एंडोस्पोर प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने के बाद में ये मदर सेल से या मातृ कोशिका से अलग होकर जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर कंप्लीट एक बैक्टीरियल सेल का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को होने में लगभग 17 से 18 घंटे का वक्त लगता है कि 17 से 18 घंटे में ये एंडोस्पोर किसी सेल के अंदर बनेगा और बनने के बाद में उस कोशिका को फटने के बाद में बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद में इसका हवा के द्वारा या किसी अन्य कारक के द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है और ये जर्मिनेट होकर अपनी संख्या में गुणन करने का कार्य करता है। इस एंडोस्पोर ये जो एंडोस्पोर होता है ये अंतःबीजाणु होता है, ये अपने बाहर कई प्रकार के आवरणों युक्त होता है और ये काफ़ी थिक स्ट्रक्चर या मोटी संरचना होती है। तो एंडोस्पोर का निर्माण कुछ इस तरह होता है, पहले होता है अक्षीय तंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया। तो एंडोस्पोर का निर्माण कैसे होगा, तो एंडोस्पोर के निर्माण कब होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, जब उसमें जनन संभव नहीं होगा तब उसमें एंडोस्पोर का निर्माण होगा। जनरली एक बैक्टीरियल सेल में एक ही एंडोस्पोर का निर्माण होता है और ये एंडोस्पोर कोशिका के मध्य से भी बन सकता है या सिरे पे भी बन सकता है और कहीं से भी बन सकता है और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने वाली असेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है
और कंप्लीट इसके निर्माण में 17 से 18 घंटे का वक्त लगता है और ये अपनी मातृ कोशिका के फटने के बाद में वातावरण में मुक्त होता है और किसी कारक के द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है और फिर इसका जर्मिनेशन हो जाता है और कंप्लीट बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें है अक्षीय तंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स, तो इस पद में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसका क्रोमेटिन पदार्थ अक्षीय तंतुओं में रूपांतरित हो जाता है या बैक्टीरिया की संपूर्ण लंबाई में फैल जाता है। तो अक्षीय तंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया में इस स्टेप में क्या होगा कि जो इसका क्रोमेटिन पदार्थ होता है ये क्रोमेटिन पदार्थ फैल कर अक्षीय तंतुओं में रूपांतरित हो जाता है और बैक्टीरिया की पूरी लंबाई में फैल जाता है। फिर ये जो अक्षीय तंतु बने थे ये अक्षीय तंतु बाद में टूटकर अलग हो जाते हैं और टूटने के बाद में क्या होता है दूसरी प्रक्रिया इसमें शुरू होती है फॉर्मेशन ऑफ बीजाणु आग का निर्माण। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि बैक्टीरिया का क्रोमेटिन पदार्थ फैल कर अक्षीय तंतु बना लेता है, तो फर्स्ट स्टेप में ये हुआ। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फोर स्पोर या बीजाणु आद्यक का निर्माण। इस स्टेप में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन पदार्थ फैला था वो टूट जाता है या विभक्त हो जाता है और कोशिका में एक साइड में इकट्ठा हो जाता है, ये यहाँ से टूटेगा ठीक है, और टूटने के बाद में ये गोलाकार संरचना में रूपांतरित हो जाता है। थोड़े टाइम बाद में क्या होता है ये जो एंडोस्पोर है इसकी जो इसमें वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है या ये जो बैक्टीरियल सेल होती है इसकी सेल वॉल अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाती है और अंतर्वलित ये यहाँ से भी अंतर्वलित होगी और यहाँ से भी अंतर्वलित होगी, मीन्स अंदर की तरफ झुकने लगती है और एक दूसरे से जुड़ जाती है, ये अंतर्वलन एक दूसरे से जुड़ जाती है जिससे ये कंप्लीट एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस ये जो संरचना बनी है इसे बोलते हैं बीजाणु आद्यक। तो सबसे पहले अक्षय तंतुओं का निर्माण होगा, ये अक्षय तंतु विभक्त होंगे, विभक्त होने से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है कोशिका भित्ति में अंतर्वलन होंगे, अंतर्वलन होने से उन अंतर्वलित सीधे आपस में मिक्स हो जाएंगे या ये अंतर्वलित सीधे आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने से ये कोशिका विभक्त हो जाएगी और विभक्त होने से ये जो संरचना बनी है इसे बोलते हैं बीजाणु आद्यक। अब क्या होता है कि ये जो बीजाणु आद्यक है इसमें होता है परिपक्वन या मैचुरेशन। मैचुरेशन इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो एंडोस्पोर है ये अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण कर लेता है, ये है इसकी भित्ति, तो ये अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है और मोटी भित्ति का निर्माण करने के साथ साथ इनमें मैचुरेशन स्टेज आ जाती है या ये अपना साइज बढ़ा लेता है। तो फर्स्ट स्टेप में अक्षय तंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है कि क्रोमेटिन पदार्थ पूरी लंबाई में फैल जाता है, फिर दूसरे स्टेप में बीजाणु आद्यक का निर्माण। इस स्टेज में क्या होता है कि ये विभक्त होने के बाद में जो कोशिका की भित्तियाँ होती है वो अंतर्वलित होकर इसे दो भागों में बांट देती है और इसके चारों ओर आवरण बनना शुरू हो जाता है या भित्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैचुरेशन या परिपक्वन स्टेप में क्या होता है
कि ये जो क्रोमेटिन पदार्थ था जो अपने मदर सेल से अलग हुआ था, उस मदर सेल, वो है तो उसी सेल में लेकिन वो इससे अलग हो चुका है और अपने चारों ओर मोटी सेल वॉल का निर्माण कर लेता है या मोटे आवरणों का निर्माण कर लेता है और अपना साइज भी बढ़ा लेता है। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, तब अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये जो एंडोस्पोर है, इसे बोलेंगे हम एंडोस्पोर या अंतर्बीजाणु, तो ये एंडोस्पोर जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होकर पुनः नई संरचना या पुनः नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करता है। और जब इसमें प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तब फिर से ये ऐसे अक्षय तंतुओं के निर्माण की प्रक्रिया करेगा। तो अक्षय तंतुओं का निर्माण हुआ, वो विभक्त हुए, विभक्त होने के बाद में सेल वॉल में अंतर्वलन हुआ, दो भागों में बट गई कोशिका और उसके चारों ओर कवर बनना या भित्ति का निर्माण शुरू हो गया। भित्ति मैच्योरेशन स्टेज में और मोटी हो जाती है और इस एंडोस्पोर का साइज बढ़ जाता है और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर यह एंडोस्पोर जर्मिनेशन शो करता है और फिर से वही सब प्रोसेस चलती है। जो आपकी बाइकोनिडिया और बाइओइडिया है, इस टाइप में क्या होता है कि कोनिडिया तलाभिसारी क्रम में बनने लगते हैं। तो कोनिडिया बैक्टीरियल सेल में बनने वाली गोलाकार संरचनाएं होती हैं। कोनिडिया क्या होती है, अब हम कोनिडिया पढ़ेंगे। तो कोनिडिया गोलाकार संरचनाएं होती है जो कहाँ बनती है, बैक्टीरिया के अक्ष पर बनती है। और कैसे बनती है, तलाभिसारी क्रम में बनती है। तो जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अक्ष पे छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बनना शुरू हो जाती है, या मैं बोलूँ कि बैक्टीरियल सेल विभक्त होकर कोनिडिया का निर्माण करती है। और ये जो कोनिडिया है वो तलाभिसारी क्रम में होते हैं। ये मान लो ये बैक्टीरिया का फिलामेंट है और ये बैक्टीरिया है। तो एक्टिनोमाइसिटीज सदस्य है, बैक्टीरिया जो एक्टिनोमाइसिटीज के सदस्य हैं वो बैक्टीरिया तलाभिसारी क्रम में कोनिडिया का निर्माण करते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है तब ये तलाभिसारी क्रम में कोनिडिया का निर्माण करते हैं। और ये कोनिडिया कैसे होते हैं, गोलाकार और अक्ष पे बनने वाली संरचना है। और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है और जनन होता है तो इंडिविजुअल या प्रत्येक कोनिडिया एक नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करता है। फिर है आपके ओइडिया द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल जो सेल होती है वो बैक्टीरियल सेल अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें कहते हैं ओइडिया। तो जब बैक्टीरियल सेल में कोनिडिया का निर्माण नहीं होता है तब उसमें ओइडिया का निर्माण होता है। ओइडिया का निर्माण क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में कई छोटे छोटे खंड बन जाएंगे या जीव द्रव्य विभाजित हो जाएगा। और जब ये जीव द्रव्य विभाजित होता है तो ये प्रत्येक खंड ओइडिया कहलाएगा और ये ओइडिया बाद में अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होकर नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर किसी सेल में एंडोस्पोर बन रहा है तो उस सेल को बोलेंगे स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में स्पोर बनेंगे तो उसे कहेंगे एंडोस्पोरेंजियम। और इसके साथ ही आपके बैक्टीरिया में जनन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस, जो जनन का एक टाइप है, वो शुरू करेंगे। थैंक यू।